जी हाँ नमस्कार दोस्तों, बेहद ही बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है। दरअसल बड़ी खबर के दौरान पिछले 24 घंटे में ही 8 जनों को मृत घोषित कर दिया गया है, जबकि 7 जनों के हालात ठीक नहीं है और सभी का शहर के अलग अलग अस्पतालों में इलाज चल रहा है। गांव वालों का कहना है कि सभी ने मादक पदार्थ विषाक्त वाला पिया है, जिसके दौरान ही 8 जनों को मृत घोषित किया है और गुरुवार रात को सभी की तबीयत खराब होने लगी थी। शुक्रवार शाम तक तो 8 जनों को मृत घोषित कर दिया गया था। वहीं डॉक्टरों का कहना है कि सभी डायरिया और फूड पॉइजन की वजह से हुआ है। पुलिस और प्रशासन कुछ भी बोलने से बच रहे हैं और परिवार वालों ने 7 जनों को बिना पीएम के ही अंतिम विदाई दी है। यह पूरा मामला बिहार के मोतिहारी के हरिसिद्ध थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है, जहां पर मट लोहरिया में पिता और बेटे को 4 घंटे के अंदर मृत घोषित किया गया है। पहले नवल दास और फिर उसके बेटे परमेंद्र दास को ही घोषित किया है और वहीं नवल की बहू के भी हालात ठीक नहीं है। और इस घटना के दौरान ग्रामीणों का कहना है कि बिना पीएम के ही पूरे 7-8 जनों के शव को लिया गया है और अंतिम विदाई दी गई है। जिले में लगातार हो रहे इस मामले में कोई भी अधिकारी खुलकर बोलने से अपने परहेज कर रहा है। हालांकि डीएम और एसपी ने बताया कि जांच में सामना है कि डायरिया और फूड पॉइजन की वजह से इस घटना को अंजाम मिला है और वहां पर मेडिकल टीम कैंप कर रही है। तो दोस्तों बड़ी खबर थी। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करते हुए कमेंट को अपनी राय जरूर दें।